खापरखेड़ा नजदीकी पारशिवनी रोड पर कन्हा नदी पुलिया के पास साहुल शिवा में स्कूल बस पलटने से 10 लोग घायल होने की जानकारी मिली है। नागपुर से पारशिवनी के पास काबुल कंधा दरगाह में दर्शन करने स्कूल बस से जा रहे थे। अचानक ओवरटेक की जा रही बाइक को बचाने के चक्कर में तेज गति से जा रही स्कूल बस का नियंत्रण छूटने से बस रोड किनारे खाई में पलटी हुई, जिसमें सवार करीबन छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक 35 से 40 लोगों का समावेश बताया जा रहा है। इस दुर्घटना में किसी को मामूली तो कुछ गंभीर जख्मी हो गए। बस पलटी होने की जानकारी खापरखेड़ा पुलिस को मिलते ही खापरखेड़ा पुलिस थाने के पुलिस उप निरीक्षक मिश्रा अपने दल के साथ चंद मिनटों में घटनास्थल पर पहुंचे। तुरंत ही एम्बुलेंस बुलाकर सभी को बस के बाहर निकालकर पारशिवनी अस्पताल रवाना किया गया। इस हादसे का घटनास्थल पारशिवनी पुलिस थाने में आने से पारशिवनी पुलिस को जानकारी दी गई। तुरंत ही पारशिवनी पुलिस भी मौके पर पहुंची। पारशिवनी पुलिस ने घटना का पंचनामा किया। बताया जा रहा है कि जिस बाइक को बचाने के चक्कर में हादसा हुआ, वह बाइक सवार बाइक घटनास्थल छोड़कर भाग गया। पारशिवनी पुलिस रोशन काले ने घटनास्थल पर हुई लोगों की भीड़ को नियंत्रित कर पूछताछ जारी की। खबर लिखे जाने तक दोनों गाड़ियों के चालक एवं जख्मी का नाम पता नहीं चल पाया। कुछ कार्यक्रम था नहीं ऐसी, मतलब मैंने ईद के वजह से, मतलब अभी बच्चों घूमने जाना था, दरबार जा रहे थे हम, दरबार लेके जा रहे थे बच्चों। तो ये कैसा क्या खाना वाना बनाएंगे? तो ड्राइवर का कहना है बाइक वाला सामने आया, उसको बाइक वाले को बचाने के लिए मैं कट इधर साइड में किया तो गाड़ी नीचे आ गई। इन बीसीएन न्यूज के लिए खापरखेड़ा से मयूर त्रिपुड़े के साथ दिलीप गजभिया की रिपोर्ट।